निधि में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा जाग जरा निधि कठिन में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा जाग जरा निधि कठिन में लागा चोर मुसाफिर आज जरा सा फितना है ये तू कहता है कितना है ये आज जरा सा फितना है ये तू कहता है कितना है ये दो दिन में ये पढ़कर होगा मुंह फट और मुंह तोड़ दो दिन में ये बढ़कर होगा मुँह फट और मुँह तोर मुसाफिर जाग जरा तेरी कठिन में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तेरी कठिन में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा माल गवा बैठेगा नींद में माल गवा बैठेगा नींद में माल गवा बैठेगा अपना आप लुटा बैठेगा नींद में माल गवा बैठेगा अपना आप लुटा बैठेगा फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लाख मचाए शोर फिर पीछे कुछ नहीं बनेगा लाख मचाए शोर मुसाफिर जाग जरा तेरी कठिन में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तेरी कठिन में लागा चोर मुसाफिर कठिन में लागा चोर मुसाफिर कठिन में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तेरी कठिन में लागा चोर ओम शांति किसी गांव में एक मेला था और मेले के बाहर एक झाड़ पर एक अद्भुत सा पक्षी था। वो पक्षी की जो विष्ठा थी उसमें स्वर्ण कण थे और ये उसे बताता। और उस मेले में एक शिकारी घूमने आया था और घूमते घूमते जब मेले के थोड़ा बाहर गया और उस झाड़ को देखा उसने और वहां से गुजरने लगा तो वो जो पक्षी था जिसकी विष्ठा में स्वर्ण के कण थे उसी शिकारी के सामने उसने विष्ठा की और उस शिकारी ने वो देख लिया कि ये तो विलक्षण पक्षी है, इसकी विष्ठा में स्वर्ण के कण है। तो वो जाल फेंकता है और उस पक्षी को पकड़ लेता है और साथ में ले जाता है, सोचता है बहुत धनवान बन जाऊंगा। पर घर जब जाता है तो उसे डर लगता है, कहीं राजा को पता चल गया कि मेरे पास एक ऐसा पक्षी है कि जिसकी विष्ठा में सोने के कण है तो मुझे पकड़ लेगा, क्यों ना मैं खुद ही राजा के पास चला जाऊं। और वो खुद ही राजा के पास चला जाता है और कहता है कि मेरे पास ये विलक्षण पक्षी है जिसकी विष्ठा में स्वर्ण के कण है। राजा उस पक्षी को देखते हैं
और फिर अपने मंत्री से पूछते हैं क्या किया जाए. मंत्री कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये जो व्यक्ति है झूठ बोल रहा है, इसकी बातों को बिल्कुल मानना नहीं चाहिए. ऐसा कभी पक्षी होता ही नहीं है कि जिसके पृष्ठा में स्वर्ण के कण है, इसलिए इस पक्षी को छोड़ दो. तो वो पक्षी को छोड़ देते हैं और वो पक्षी उड़ता 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 जाता है और दरवाजे पर एक गीत गाता है, कहता है संस्कृत गीत, पूर्ववम तावतहम मूर्खो द्वितीय पाशबंधक ततो राजा च मंत्री च सर्वमे मूर्ख मंडलम. कहता है सबसे पहला मूर्ख मैं हूं जिसने क्या किया, उस शिकारी के सामने विष्ठा की और उसे ये पता कराया कि मेरे विष्ठा में स्वर्ण के कण है. पूर्व तावदहम मूर्खो द्वितीय पाशबंधक, दूसरा मूर्ख वो शिकारी है, उसे चुपचाप पक्षी अपने पास रखना चाहिए था, पर वो कहां ले गया, राजा के पास लेके गया. ततो राजा च मंत्री च, अगला मूर्ख है वो राजा, चुपचाप रख लेना चाहिए तो मन को पूछा. और चौथा मूर्ख है मंत्री, सर्वम में मूर्ख मंडलम, तो ये सारी कौन है, मूर्ख मंडली है, सभी मूर्ख हैं यहां पर. आज सुबह की साकार मुरली, सतयुग त्रेता की आयु कितने में लेके गए हैं, हजारों वर्ष में लेके चले गए. ये है बेहद की बेसमझी. तुम भी कैसे थे, बेसमझ ही थे. अब भी तुमने, अभी भी कुछ है जिन्होंने बिल्कुल नहीं समझा है, और समझते हैं हम बाप के भी बाप है. हम कौन है, शिव बाबा के भी बाबा है. ऐसे थर्ड क्लास ट्रेटर आज की मुरली की के अंत में. ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास ट्रेटर है, और कुछ कुछ है वो थर्ड क्लास ट्रेटर है, जो ये समझते हम शिव बाबा के भी बाप है. अभी तक कुछ समझा नहीं है, अब बहुत कुछ समझना बाकी है. अब तक तुमने कुछ नहीं समझा है, आज की मुरली में है तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है. ये तुम्हारी है बेहद की बेसमझी. तो इतना ज्ञान उसने दे दिया, इतना हमको उसने श्रृंगारा, उसके बाद भी हम क्या रह गए, बेसमझ के बेसमझ, मूर्ख के मूर्ख. तो ततो राजा च मंत्री च सर्वम में मूर्ख मंडलम. तो आज हम चर्चा करेंगे अलौकिक मूर्ख मंडली की. इस ब्राह्मण परिवार में भी ज्ञानी देखना हो तो कहां देखो, यहां. और मूर्ख देखना हो तो कहां देखो, यहां. यहां मूर्खों के हेडमास्टर्स बैठे हुए हैं. मूर्खों के महामंडलेश्वर देखना है तो कहां देखो, यहीं देखो. मूर्खता पर जिन्होंने पीएचडी और डिप्लोमा कोर्सेस किए हैं, कहां है वो, सब यहीं है. संगम युग में भगवान क्या दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं. तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा. तेरी गठरी के पीछे चोर लगा हुआ है और तुझे पता ही नहीं. माया रूपी चोर सारे खजाने लेने के लिए ताक में बैठी हुई है और हमें पता ही नहीं. मुसाफिर जाग जरा, आज जरा सा फितना है, आज थोड़ा सा झगड़ा है, थोड़ा सा विद्रोह है. फितना ये तू कहता है कितना है, आज जरा सा फितना है ये तू कहता है कितना है. दो दिन में ये बढ़कर होगा मुंह फट और मुंह जोर. एक दिन यही चिंगारी, ये छोटी सी आग विद्रोह की, मुंह फट. मुंह फट अर्थात निंदक, निंदा करने वाला, सटायरिकल. और मुंह जोर, मुंह जोर अर्थात आमने सामने. मुंह फट मुंह जोर, आमने सामने उद्दंडता करने वाला, जोर से बोलने वाला, अपमान करने वाला, विरोध करने वाला, विद्रोह में खड़ा होने वाला. आज जो छोटा सा लग रहा है, एक दिन
वही हमें सिखा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, नींद में माल गवा बैठेगा अपना आप लुटा बैठेगा, नींद में माल गवा बैठेगा अपने आप लुटा बैठेगा, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा, लाख मचाए शोर, फिर कितना भी शोर मचाए कुछ नहीं होगा, अभी कर लो जो करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, दुनिया वाले अभी तुम चिल्लाते हो शेर आया शेर आया शेर आया, विनाश तो होना है, अवश्य आएगा एक दिन। कल कहा था कि जब मौत आएगा तब मनुष्य क्या हो जाएंगे, वायरे हो जाएंगे, होगा ऐसा। तो तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, अब ये समय सोने का नहीं है, अब ये समय किसका है, जागने का है। बहुत मूर्खता करती, बहुत भट्टू भुट्टू बन गए। दो दिन पहले मुरली में था, ऐसे बुद्धू और ऐसे मूढ़मती भी यहां पर है। कैसे कैसे, दो दिन पहले था। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी मूर्ख की मूर्खों की मंडली है, और उसमें किस किस ने एडमिशन ली है उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसमें टॉप किसने किया है और बहुत कम है जो उससे बाहर है अधिकतर, क्योंकि उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कईयों को एडमिशन मिल चुकी है, कई एडमिशन लेने की फिराक में है, कई लाइन में लगे हुए हैं, और कई उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कईयों की पीएचडी होके अभी पीजी गाइड बने हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं। किसमें, मूर्खता का थीसिस करने में। तो अलौकिक मूर्खता, इस ब्राह्मण जीवन में मूर्ख कौन, जैसे एक नगर में मेला था, बहुत सारी दुकानें थी, एक व्यक्ति ने चूड़ियों की दुकान लगाई और बहुत सारे कांच थे, छोटे छोटे कांच आईने इस तरह की दुकान लगाई। एक जोहरी वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक कांच तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, वो उसके पास जाके देखता है, वो कांच नहीं वो तो हीरा है। वो उस व्यक्ति से पूछता है, बेचने वाले से, ये कितने में दिया कांच का टुकड़ा। वो कहता है 20 रुपए। वो कहता है 20, 15 में दो। वो कहता है 15 में तो नहीं दूंगा मैं, 20 में ही दूंगा। इस जोहरी को लगता है मूर्ख है बेचारा, थोड़ा घूम के आता हूं मेला, तब तक मान जाएगा, कम कर देगा। वो घूम के आता है और देखता है कांच है ही नहीं वहां पर। वो कहता है कांच कहां गया। वो कहता है मैंने तो बेच दिया। वो कहता है किसको बेचा। वो कहता है एक दूसरा आया था। कितने में बेचा। वो कहता है 25 रुपए में। अरे मूर्ख, वो 1 लाख का हीरा था, क्या कर दिया तुमने। वो कहता है मूर्ख मैं थोड़ी ना, मूर्ख तो तुम ठहरे, मुझे तो पता ही नहीं था 1 लाख का है, तुमको तो पता था ना, जो चीज 1 लाख की है तुमको पता था, मुझे तो पता ही नहीं था, फिर भी तुमने छोड़ दिया उसको 5 रुपए के लिए। तो मूर्ख कौन निकला, दोनों ज्यादा मूर्ख कौन निकला, तो जोहरी मूर्ख निकला। रोज की मुरली में हीरे आते हैं, जवाहरात आते हैं, उसको पर तराशना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। आज भी बाबा ने कहा उगारो ज्ञान को, आज भी बाबा ने कहा केवल योग से काम नहीं चलेगा, ज्ञान चाहिए, केवल योग से नहीं होगा कुछ, ज्ञान चाहिए। और बाबा सबको जानता है, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ और गुड़ को रखने वाली वो जो बैग है, शिव बाबा गुड़ है, आगे की लाइन मुरली की, तो वो सब जानता है किसके पास कितना ज्ञान है किसके पास कितना ज्ञान नहीं है। एक बहुत अच्छा वाक्य मुरली में आया, जिसके पास जिसने जितना ज्यादा ज्ञान उठाया है वो उतनी ज्यादा सेवा करेगा, जिसने कम उठाया है वो कम सेवा करेगा, जिसने ज्यादा उठाया है वो ज्यादा सेवा करेगा। तो इस बेहद की बेसमझी से बाहर निकलना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मूर्ख है, और ऐसे मूर्खों की महामंडली है। तो ऐसे हम 21 प्रकार के मूर्खों की चर्चा करेंगे।
सबसे पहला मूर्ख है थिंकिंग मूर्ख, थिंकिंग फूल, सोचने वाला मूर्ख। ये वो मूर्ख है कि जिसकी सोच में ही मोच है, जिसकी सोच में ही डिफेक्ट है, सोच ही गलत है, सोच ही व्यर्थ है, सोच ही निगेटिव है, सोच में ही पर है, पर चिंतन समाया हुआ है, स्वचिंतन समाया हुआ नहीं है। अर्थात जो ब्राह्मण आत्मा इस ब्राह्मण परिवार में आके इस ज्ञान में चलते हुए जिसके विचार संयमित नहीं है, जिसके अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जिसके विचार दुनियावी बातों में लगे रहते हैं। कल की मुरली में था, कुछ कुछ बच्चे हैं कहां पर टाइम वेस्ट करते हैं, दुनियावी बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। आज कहा कि कहां चले जाएंगे, सीधा रसातल में चले जाएंगे, अगर विकार में गए तो ये ज्ञान बह जाएगा। मुरली में है, अगर विकार में गए तो ज्ञान बहकर निकल जाएगा। और कुछ कुछ बच्चे बाप की जो निंदा करते हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा, फुल स्टॉप। अगली लाइन है, सीधा रसातल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे वो, रसातल। वो तो चलो दूसरी पॉइंट थी। सबसे पहला तो सोच, विचार, हमारे विचार कैसे हैं। यदि हम अपने विचारों को नीचे रख रहे हैं, हाँ, बेहद में नहीं है, छोटे तल पर है, छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच के बड़े मालिक है, छोटी सोच के बड़े मालिक, आप ही पूजे, आप ही अपने कराने वाले, ऐसा भी आज के मुरली में आया एक जगह। तो ये जो छोटी सोच है इसको क्या करना है, बड़ी सोच करना है, केवल अपने बारे में ही सोचना, बस मेरा क्या, मेरा क्या नहीं, बस अपने ही चिंतन में रहना, विश्व का अभी तक ख्याल ही नहीं आया है। अमृत वेला कितने बड़े बड़े काम करने हैं, कोई खबर नहीं उसकी। बाबा ने कहा लास्ट संडे, नीचे चली हुई वृत्ति से वायुमंडल बदलना है, वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल, ये इतना बड़ा काम तुमको करना है, कितना हमने किया है। यहां तो विचार इतने लो तल पर है, इतने छोटे तल पर है कि केवल इसमें मेरा सुख, मेरा सब कुछ ठीक होना चाहिए बस। तो सबसे पहले मूर्ख है कि जिनके थिंकिंग में फॉल्ट है। अपने विचारों को ऊंचा उठाना है, कैसे उठाएंगे विचारों को ऊंचा, कैसे उठाएंगे, चिंतन से। विचारों को ऊंचा कैसे उठाएंगे, मुरली के अध्ययन से। मुरली विचारों को कैसे ऊंचा उठाएंगे, आज की मुरली में बुद्धि को तुमको रिफाइंड करना है। आज बाबा ने कहा बुद्धि में रिफाइंडनेस अभी आना बाकी है, बुद्धि में जब रिफाइंडनेस आएगी योग से, केवल योग से कुछ नहीं होगा, रिफाइंडनेस चाहिए, केवल योग से कुछ नहीं होगा, ज्ञान चाहिए, बुद्धि के तल को बढ़ाना है। तो सबसे पहला मूर्ख तो वो है कि जिन्होंने अपने विचारों पर अभी तक काम नहीं किया है, जिनके विचार असंयमित है, अनियंत्रित है, जिनके विचार बाहर जाते हैं, बाहर की चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे वो सारे कौन है, महामूर्खों में अलौकिक मूर्ख मंडली के सबसे प्रथम मूर्ख। दूसरे मूर्ख है इमोशनल फूल्स, ये है थिंकिंग फूल्स, दूसरे है इमोशनल फूल्स। उस दिन भी कहा था चुईमुई, फीलिंग देवी, और कौन सी देवी है, रोने रोने वाली देवी, दोनों के मंदिर सामने है, रोने वाली देवी का मंदिर इधर सामने, रोना प्रूफ देवी का मंदिर, ऐसे अलग अलग मंदिर बने हैं। तो इमोशनल बॉम्ब है कोई कोई आत्मा है यहां पर, इमोशनल बॉम्ब्स, इमोशनल बॉम्ब्स अर्थात बस रोना धोना, छोटी छोटी बात में रोते हैं, हर चीज में कंप्लेंट है, हर चीज में रोना है, ये कमरा ठीक नहीं है, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, ये सेवा का टाइमिंग ठीक नहीं है, ये सेंटर ठीक नहीं है, बहन जी ठीक नहीं है, ये भाई यहां से चले जाए बाबा तो मेरा अच्छा योग लगे, इसको भेजो कहीं, भेजो ना इसको सेवा में, कम से कम 2 मास शांति हो जाए, छुट्टी क्यों नहीं लेते तुम।
इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है. इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन्ड, इमोशनल क्वेश्चन्ड अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस. इस पर बहुत सारे काम हो रहा है आजकल विदेश में, बहुत सारी किताबें लिखी गई है. इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं में कौन बुद्धिमान है, जिसकी भावनाएं बह जाती है छोटी छोटी बातों में, डिस्टर्ब हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में. किसी को देखकर आकर्षण हो जाता है, किसी को देखकर विकर्षण होता है, किसी के साथ दिल लगाने की इच्छा होती है, किसी से वो भी देखने की इच्छा नहीं है किसी का, किसी को आकर्षण विकर्षण होते रहता है. इमोशंस डिस्टर्बेंस है. तो जिन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया है वो इमोशनल फूल्स की कैटेगरी में आते हैं. ये दो नंबर के मूर्ख है इस यज्ञ के, जिन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया है. भावनाओं को यहां मजबूत बनाने आए. अगर इतना ही बह जाना है तो एक बाप के प्यार में बह जाओ, अगर इतना ही आंसू बहाने की इच्छा है तो बाबा के प्यार में आंसू आए. ये मनुष्यों के प्यार के क्या आंसू बहा रहे, आज है कल नहीं है. इनका प्यार अल्पकालीन है. संडे की मुरली क्या देंगे ये लोग, दुख और धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे. चाहे कितना भी कोई अच्छा हो, परफेक्ट मैच है. परफेक्ट मैच किसकी होती है, केवल जूतों की बस, बाकी कोई परफेक्ट मैच नहीं है. इधर चप्पल बस वही परफेक्ट मैच है, परफेक्ट मैच. वो कहते हैं ना ये मेड फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, हम एक दूसरे के लिए बने थे, कहां थे अब तक. परफेक्ट मैच, एकदम परफेक्ट जोड़ी. परफेक्ट जोड़ी जूतों के अलावा और किसी की नहीं होती, केवल चप्पल या जूते बस. सतयुग की बात नहीं चल रही इस कलयुग में. तो भावनाओं को क्या करना है, वश में रखना है, नियंत्रित करना है. जिनकी भावनाएं नियंत्रित नहीं है, छोटी छोटी बात में नाराज होना, रूठना, उदास होना, रोना, डिस्टर्ब होना, ये इमोशनल फूल्स की कैटेगरी में आता है. तीसरा है डिजायरिंग फूल्स. डिजायरिंग अर्थात इच्छा करने वाले फूल्स. किन चीजों की इच्छा करते हैं, अलौकिक चीजों की इच्छा कम करते हैं. किन चीजों की इच्छा ज्यादा करते, संसारिक चीजों की इच्छा करते हैं. ये मिल जाए, वो मिल जाए, सोचते हैं ये मिल जाए तो हम खुश होंगे, वो मिल जाए तो खुश होंगे. ये मोबाइल नहीं चाहिए, कोई अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, जैसा उसके पास था ना बाजू वाले के पास, वो वैसा वाला चाहिए. तो इच्छाएं सांसारिक इच्छाएं. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है हमेशा, कि अध्यात्म में यदि बहुत तीव्रता से उन्नति करनी है, एक ही चीज चाहिए, इंटेंस वैराग्य, बहुत जबरदस्त वैराग्य चाहिए. जितना वैराग्य अधिक होगा उतना ही आत्मा तीव्रता से आगे बढ़ेगी. नहीं तो अध्यात्म पथ में हजारों लोग हैं, क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मन आसक्तियों से भरा हुआ है. श्री गुरु नानक देव जी को किसी ने पूछा, आप शेविंग नहीं करते, शेविंग मुंडन दाढ़ी. उन्होंने कहा मैंने अपने मन की शेविंग कर रखी है. मैंने किसकी शेविंग की है, माइंड की. मुंडन किसका किया है, हजामत मन की, सारे विकारों को ही वहां से निकाल दिया है. यही वास्तविक अलौकिक मुंडन है. ये बाल कटाने से कुछ नहीं होता है, गंजा बनने से कुछ नहीं होने वाला, कोई कपड़े घेरे हुए वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होगा. मन को घेरे हुए वस्त्र पहनाओ, मन वैरागी हो, मन सन्यासी हो, मन विरक्त हो, मन में वैराग ठूस ठूस के भरा हो कि यहां का कुछ भी नहीं चाहिए. और एक दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा मोह है तो वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता. इसीलिए क्या क्रिएट करना है, डिससेटिस्फैक्शन का भाव क्रिएट करना है. डिससेटिस्फैक्शन अर्थात अतृप्ति, असंतुष्ट. यदि मेरा इनमें बहुत मोह है तो मैं चिंतन करूं कि मैं इससे बहुत असंतुष्ट हूं, ये मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं करता है, सोचना है उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से, तो उस व्यक्ति से दूरी हो जाएगी कि ये मुझे कभी तृप्ति नहीं कर सकता, ये हर चीज, इसकी हर बात मुझे असंतुष्ट करती है.
तो भी सोचना ऐसा ही है, वो सोच के ही तो मोह हुआ है। मोह का जन्म कहां से हुआ है? सोच सोच के कि ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत सुख देता है, इसके जैसा साथी मुझे चाहिए। यही तो दुख का कारण है। रियल वैराग जन्म ही तब होता है, रियल वैराग का जन्म होता है असंतुष्टता से, इस संसार के प्रति असंतुष्ट रहना, व्यक्तियों के प्रति असंतुष्ट। ये व्यक्ति मुझे कभी सुख नहीं दे सकता, ये व्यक्ति की ये बात मुझे अच्छी नहीं, मन में ये सोचते रहना, तो उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से, उस वैभव से, उस चीज से वैराग का भाव आएगा और फिर वैराग उदय होगा। और जब तक वैराग उदय नहीं होता, कोई उन्नति संभव ही नहीं है। व्यक्ति 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से चल रहे हैं, परंतु चीजों में फंसे हुए हैं, व्यक्तियों में फंसे हुए, मुंडन किया ही नहीं अभी तक। किसका? मन का। मन की शेविंग करो, क्लीन शेव। फिर उगाते हैं बाल बेकारों के, तो रोज करनी पड़ेगी। फिर भी उगाते। तो तीसरे प्रकार के मूर्ख कौन से हैं? डिजायरिंग फूल्स, जो क्या करते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं, संसारिक लौकिक इच्छाएं करते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पालू, वो पालू। भगवान को पालो, सब संसार का मिल जाएगा अपने आप, जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। चौथे प्रकार के मूर्ख है स्पीकिंग फूल्स, बोलने वाले मूर्ख। जब भी बोलेंगे मूर्खतापूर्ण ही बात बोलेंगे। इसके लिए वाक की तपस्या है मौन, वाणी की तपस्या क्या है? मौन। क्योंकि जब भी व्यक्ति, जब भी हमने देखा अपने जीवन में, हमने उस हर चीज के लिए पश्चाताप किया जो हमने बोला है, उस चीज के लिए पश्चाताप नहीं किया जो केवल हमने सोचा था पर बोला नहीं, सोचा पर बोला नहीं। एक ये है, एक दूसरा है सोचा और बोल दिया, जो कि मन में भी नहीं था शायद, पर वैसे ही बोल दिया। उस चीज के लिए बोलने के लिए पश्चाताप ज्यादा है, सोचने के लिए पश्चाताप कम है। इसलिए स्पीकिंग फूल अर्थात जो बोलते हैं तो 2-3 घायल हो जाते हैं सामने के, दुखदायी वचन बोलते हैं, पीड़ादायी वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, निंदा वाले वचन बोलते हैं, तंज करते हैं, कमेंट करते हैं किस पर, फिरकी लेते हैं इस तरह से कि जिससे सामने की हंसी उड़ाई जाए, मजाक बन जाए, व्यक्ति जख्म देने वाले। ये सारे जो है ना, इस ब्राह्मण जीवन में मूर्ख है। बाबा ने क्या कहा है, तुम्हारी वाणी कैसी हो, और वो करने, वो हम कर क्या रहे। कुछ दिन पहले, 1-2 मास पहले एक मुरली थी, मधुबन निवासियों से मुलाकात। मधुबन निवासियों की वाणी कैसी हो? रिकॉर्ड करने जैसी हो। और कैसी हो? बार बार सुने ऐसी वाणी हो। संसार में भगवान का प्यार बढ़ाने वाली हो, वैराग दिलाने वाली हो। तो स्पीकिंग फूल्स, उसके बाद है ईटिंग फूल्स। ईटिंग फूल्स अर्थात खाने वाले मूर्ख। जन्म ही, एडमिशन ही लिए है स्कूल में इसलिए, खाने के लिए। उसका बेसिस ही वो था, एडमिशन लेने का बेसिस ही क्या था? खाना अच्छा है यहाँ का, बस इजीली एडमिशन ली। वही फाउंडेशन था, प्रभु प्रेम फाउंडेशन नहीं था, ज्ञान फाउंडेशन नहीं था। फाउंडेशन क्या था? ब्रह्मा भोजन। अभी उसका बहुत विस्तार किया है और हर चीज में रुचि है, तो सारा दिन भर किसका चिंतन चलते रहता है? क्या खाऊं, क्या खाऊं, आज क्या बना है, आज क्या बनने वाला है दोपहर में, आज शाम का क्या है, आज उधर वो प्रोग्राम है उसमें क्या है, मेनू क्या है, हर चीज में क्या है, पिकनिक कहाँ है, आज किस किस की पिकनिक है, आज क्या है, सारी बुद्धि उसी में लगी हुई है, भोजन में। यह है ईटिंग फूल्स। बाबा ने कहा तुम वनवाह में हो। कहाँ हो? वनवाह में। 14 वर्ष राम ने जैसे बिताए, तुम्हें सारा ब्राह्मण जीवन वैसे बिताना है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास में जैसे हो वैसे। वनवास में वो क्या खाता था, क्या पीता था, कहां सोता था, क्या करता था? 14 वर्ष क्या किया राम ने? राक्षसों का नाश किया, ऋषियों की सेवा की,
सारा जीवन सेवा में बिताया 14 वर्ष, तपस्वियों जैसा रहा। योग वशिष्ठ में एक चैप्टर है जिसमें राम के वैराग की अवस्था का वर्णन है। लिखा है कि राम जब घर में है, वो जब भोग की वस्तुएं देखता है तो उसे पीड़ा होती है, वो देखकर वो उसके अंदर घृणा उत्पन्न करती है, उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ में एक पूरा चैप्टर राम के बारे में, श्री राम के वैराग के बारे में, कि उसे दूसरे लोग भोग विलास करते देखता है उसे दर्द होता है, भोग की वस्तुएं देखता है राजमहल की दर्द होता है, ये देखता है बिछोना गालीचा दर्द होता है उसको, वो सब देख के पीड़ा होती है उसको, क्योंकि वो मन से वैरागी है, उसे किसी भी भोग में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मन उसका इतना डिटैच्ड है, सब कुछ है उसके पास, राजा का पुत्र है वो, परंतु विरक्त है। ऐसी विरक्ति, 14 वर्ष राम वनवासी, बच्चों तुम कहां हो, वनवाह में हो, तुम्हें ऊंचा पहनना, ये खाना वो खाना, ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मन वैरागी हो। और जो नहीं है वो कहां पर है, अलौकिक मूर्ख मंडली में, जो जीवन तपस्या के लिए दिया है और कर क्या रहा है। उसके बाद है हियरिंग फूल, सुनने वाले मूर्ख, क्या सुनते हैं ये, संसार की बातें, दुनियावी बातें, परचिंतन की बातें, परदर्शन की बातें, किसने क्या किया, किसका क्या हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पहले इस डिपार्टमेंट में था, अब उस डिपार्टमेंट में चला गया, क्यों गया, जैसे भगवान ने नियुक्त किया है हमको तफ्तीश करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए, कि कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये बहन अब तक यहां क्या कर रही है, इसको तो चले जाना चाहिए था, पता करो कहां से है, व्यर्थ। हियरिंग फूल्स, क्या सुनते हैं, दुनिया की बातें, दुनिया की न्यूज, दुनिया की चर्चा, सुनी सुनाई बातें, किसी की निंदा की बातें, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके बारे में तुमने सुना है, ऐसा ऐसा हुआ है तो हियरिंग फूल्स। उसके बाद में सीइंग फूल्स, सीइंग वाले, देखने वाले, क्या देखते हैं ये व्यर्थ की चीजें देखती है, देखते हैं विकार, व्यर्थ, पाप, अवगुण, अवगुणी दृष्टि है, देखेंगे तो अवगुण ही दिखेंगे, दूसरों के अवगुण, अवगुणी, अवगुणी दृष्टि, माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है कि हर चीज में नेगेटिव ही देखना है, तो दिखता भी बराबर उनको है, और उनको बराबर वो सारे सुराग भी मिल जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि लक्ष्य ही वो रखा है कि इसके अवगुण क्या क्या है, तो देखा और उसके बाद में प्रूफ मिलते हैं, सारे प्रमाण मिलने चालू हो जाते, जितने इकट्ठा करना चाहो उतने इकट्ठा करते प्रमाण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि देखा ही वैसा, चश्मा ही वो पहन के रखा था, तो सीइंग फूल्स। उसके बाद में है टचिंग फूल्स, भगवान ने कहा है ये देह क्या है, उस दिन सुनाया था बहुत सारी चीजें देह की, ये देह क्या है, कल परसों की मुरली में था, आत्मा भी झूठी है देह भी झूठा है, ये देह गंदा है, इस देह को स्पर्श करने की इच्छा अपने या किसी और के, ये भी मूर्खों की श्रेणी है। उसके बाद है राइटिंग फूल्स, राइटिंग फूल्स किसमें बिजी है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस टाइप करके यहां वहां भेजने में, उंगलियां इतनी शार्प हो गई है कि एक मिनट भी शांति से नहीं बैठती है, उसको टाइप करना है कुछ ना कुछ, और भेजती रहती है मैसेजेस, व्यर्थ के मैसेजेस भेजती रहती है। हम हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का जो रहता है वार्ड, जब लाइन लगाते हैं उनको, पेरी लाइन, आईवी लाइन, वो निकाल देते हैं बच्चे, तो उनके हाथ में बॉक्सिंग बैंडेज बांध देते हैं, ऐसा ऐसे करो जो करना है, ऐसे से करते रहते, अब निकाल ही नहीं सकेंगे लाइन, तो यहां वर्तमान में मनुष्य को भी वो बॉक्सिंग बैंडेज बांधने की जरूरत है, उंगलियां ही बंद कर दो, क्योंकि ये उंगलियां उसका इतनी उसको खुजली होती है टाइप करने की, क्या टाइप करूं और क्या भेजूं, टाइप ही करते रहता है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ भेजते रहता है मैसेजेस, व्यर्थ के मैसेजेस, ये टाइपिंग फूल से, राइटिंग फूल से, ये सारे
उसके बाद में डिजिटल फूल्स, अगले फूल्स कौन से हैं? डिजिटल फूल्स, सारी दुनिया ही सारा दिन भर डिजिटल में लगे हुए, जितने सोशल मीडिया पेजेस में हमारा नाम रहे बस उसमें ही लगे हुए हैं। वर्तमान समय डिजिटल वर्ल्ड सेवा के लिए सबसे पावरफुल टूल है, साधन है, परंतु सेवा के नाम पर उसमें कुछ और कर रहे, ये व्यर्थता है। इससे बाहर निकलना है, इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। कितना समय ऑफलाइन रहना है, कितना समय ऑनलाइन रहना है, कितना समय सोशल मीडिया पर देना है, कितना नहीं देना है। 10-10 मिनट में, एक एक मिनट में चेक करते रहते हैं मेल्स और ये और वो सारा, जबकि आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में फैशन फूल्स, यज्ञ में है पर किस में लगे हुए? फैशन में लगे हुए, एक दूसरे को देखा देखी, जैसा उनके पास वो वाली शॉल है वो वाली मुझे चाहिए, वो वाले शूज कहां से ली, वो चप्पल कहां मिलती है, किस दुकान से ली, ये पर्स, ये बैग कहां मिलती है, ये बाल तुम्हारे तो कल सफेद थे आज काले कैसे किए? सब उसी में बुद्धि लगी हुई है। अच्छा तो पैशन फूल, उसके बाद में है वॉन्डरिंग फूल, साइट सीइंग वाले फूल्स, अभी वहां जाके आए, अभी और कहां जाना है, बस यही सोच रहे यहां जाऊं वहां जाऊं, इसको देखूं उसको देखूं, ये जगह देखूं, और वहां जाकर भी देखना नहीं है, क्या करना है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी होगी, चलो अगर चलो कोई जाए तो निसर्ग का आनंद ले, निसर्ग के सानिध्य में रहे, एकांत में बैठे और चिंतन करे। बाबा पहाड़ी पर जा रहे, एकांत में बैठो योग करो, पर वो छोड़ के मेरा ऐसा फोटो, ऐसा वाला मेरा एक अच्छा, फिर मेरा ऐसा, हाँ फिर चेंज करते रहते। अच्छा तो फैशन फूल्स और वॉन्डरिंग फूल्स या साइट सीइंग वाले फूल्स। उसके बाद में विशियस फूल्स, विकारों में जाना, आज की मुरली में है, विकारों में गया तो ज्ञान बह जाएगा, ज्ञान रहेगा नहीं, ये कड़ा नियम है यज्ञ इस संस्था का, कि ज्ञान आके बैठो सुबह मुरली क्लास में और विकारों में भी जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, सुनना ही तो है, विकार में जाओ और ज्ञान भी सुनो, ये नहीं हो सकता है, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बाबा ने कहा रिफाइंड चाहिए या इंटेलेक्ट, ज्ञान विकारों में गए तो ज्ञान बह जाएगा, नहीं दो चीजें साथ चलते, भोग और रोग, भोग और योग दोनों साथ नहीं हो सकता। उसके बाद में है वियोगी मूर्ख, जो बाबा से दूर चले जाते हैं, जिनका योग का चार्ट बहुत कम है। कल कुंडली में कितना बोला था? 8 घंटा चार्ट, ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि 8 घंटा योग का चार्ट कैसे बनाए। तो जिनका योग ही कम है वो भी मूर्ख है, जो योग की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। सारा ध्यान ज्ञान में है या चिंतन में या सेवा में, पर योग है नहीं, योग से तो अभी पता नहीं कितने दूर है। वो अवस्था कि जिसमें आत्मा बैठ जाए, शरीर से अलग हो जाए और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे, उसकी यादों में खो जाए, उसके प्रेम में डूब जाए, जो वो ये नहीं कर रहे वो किस श्रेणी में है? अलौकिक मूर्ख मंडली में है। उसके बाद में ट्रेटर फूल्स, ट्रेटर्स आज की मुरली में है, फर्स्ट क्लास ट्रेटर और थर्ड क्लास ट्रेटर। थर्ड क्लास ट्रेटर अर्थात जो कहते हैं कि हम बाप के भी, शिव बाबा के भी बाबा है, शिव बाबा के भी हम बाप है, वो है थर्ड क्लास ट्रेटर, अर्थात जो बाप का हाथ छोड़ देते, अर्थात वो मूर्ख जो इस ज्ञान में आने के बाद ज्ञान को छोड़ देते, कहीं और आकर्षण हो जाता है, किसी और संस्था में चलते हैं, कहते हैं ये संस्था में देखो कुछ हुआ ही नहीं। एक दो लोगों के इंटरव्यू भी है ऐसे, हम ब्रह्मा कुमारीज में थे, इतना समय किया, सबसे मिला, बाबा से मिले, दादियों से मिले, फिर भी मेरे पति को नौकरी नहीं मिली। अभी जब से ये बाबा जी की शरण में आया हूं, तुरंत आई हूं, जब नौकरी भी मिल गई, बेटे की बीमारी भी ठीक हो गई। देखो ऐसे ही करने कहने वाले लोग हैं जो भी है, परंतु ऐसे भी ट्रेटर है कि जो यहां पे भी असंतुष्ट रहे भगवान मिलने के बाद भी, और यहां से छोड़ के चले गए, भगवान का हाथ छोड़ दिया,
वो मूर्ख ही है कहेंगे उनको, महामूर्ख है वो तो, मूर्ख मूर्ख के हेडमास्टर्स, मूर्खों के हेडमास्टर्स, सरदार, महामंडलेश्वर, सब यही है जो छोड़ के चले गए। उसके बाद में इगोइस्टिक फूल्स, अहंकारी, बहुत ज्यादा अहंकार है जिनमें, कहते हैं हम सब कुछ हमने समझ लिया। आज की मुरली में बाबा तुमने कुछ भी नहीं समझा है, तुम बेसमझ हो, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। ऐसा मत समझो हमने सब समझ लिया है, अभी बहुत समझना बाकी है। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, और कोई नहीं जानता है, तुमने नहीं समझा है सब। तो अहंकारी फूल, जो अहंकार से भरे हुए, ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक अहंकार है, उससे भी खतरनाक अहंकार है त्याग का अहंकार, हमने सब कुछ त्याग कर दिया, यह सबसे भयंकर अहंकार है। उसके बाद में हठधर्मी मूर्ख, हठधर्मी अर्थात जिनको कितना भी समझाओ पर नहीं मानते, स्टबन, कितना भी बताओ, कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, कितना भी उनके पीछे पड़ो कि भाई तुम ये नहीं करो, परंतु तुम्हारी बात सर माथे पर, परनाला वहीं रहेगा, चाहे कुछ भी कहो, पर जो नाली यहां से बह रही है वो वहीं रहेगी। ऐसे भी मूर्ख है, तो ये भी मूर्ख ही है जो एकदम हट्टी है, जिद्दी है, एकदम अहमता से भरे हुए। कहा जाता है जो सांप होता है ना, जहरीला सांप, विषैला सांप, वो सफेरा क्या करता है पता है, उसके दो सामने के दो विषैले दांत निकाल देता है। उसके बाद में वो जो सांप है वो कुछ नहीं करता है, उसका पालतू बन जाता है। आगे के फैंग, फैंग को दाती कहेंगे ना, विषैले दांत होते हैं, टूथ, फैंग, उसको निकाल देता है। उसके बाद में वो सांप उसके बीन पर नाचता है, डोलता है। उसी तरह सन्यास मार्ग में कहा जाता है दो विषैले सांप जब तक नहीं निकलेंगे मन वश में नहीं आएगा, वो है अहमता और ममता। अहमता अर्थात मैं, ममता अर्थात मेरा, ये दो विषैले सांप है। ये दो विषैले सांप के दांत है आगे के, फैंग, टू पॉइजनस टूथ, वो दोनों को निकाल देता है और फिर वो सांप उसके वश में आ जाता है। ये निकालना है, अहमता और ममता, ममता ना रहे और ना अहमता रहे, मैं, मेरा, अपनी हमारी भाषा में, तो इसको हटा लेना है। तो कितने हो गए, 18। उसके बाद में डूइंग, डूइंग वाले मूर्ख अर्थात करने वाले, अर्थात डिससर्विस करते हैं, जो भी करेंगे गलत ही करेंगे, जब भी कोई करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे, गलत ही करेंगे, डिससर्विस ही करेंगे, ये भी मूर्ख है। अगला है ड्रीमिंग मूर्ख, ड्रीमिंग फूल्स अर्थात आलस्य और अलबेलेपन वाले, स्वप्न देखते रहते बस, आलसी है, अमृत वेले के लिए आलस है, मुरली चिंतन के लिए आलस है, ट्रैफिक कंट्रोल में आलस है, नुमा शाम का योग पता नहीं लास्ट कब किया था, आलस है। जैसे इसके पहले भी बताया था, हम एक सेंटर पर गए थे, वो भाई बता रहा था कि हमारे यहां पर 30 साल से एक भी विघ्न नहीं आया सेंटर पर, हमारे सेंटर पर 30 साल से एक भी विघ्न नहीं आया, और कारण हमारी बहन जी, उसका रोज का बैठे हुआ चार्ट 4 घंटे का योग का, और उसने कहा कि मैंने इतने सालों में आज तक हमारी बहन जी को कभी भी शाम का योग मिस करते हुए नहीं देखा। अमृत वेला नहीं की बात कर रहे, नुमा शाम का योग, नुमा शाम का योग 6:30 बैठ, खुद ही बैठ जाती है और सब स्टूडेंट्स को भी बुलाती है, रेगुलर शाम का योग चलता है और बाद में मुरली चलती है, ये जरूरी है, तो इसलिए तो निर्विघ्न है। तो जहां पर आलस अलबेलापन है, योग नहीं हो रहा है, सारा ध्यान की और बातों में, वहां पर वो मूर्ख की श्रेणी है, इसको ध्यान रखना है। तो डिससर्विस करने वाले, फिर उसके बाद में ये आलस अलबेलापन वाले, और लास्ट
आलस अलवेलापन सोना निद्रा आलस प्रमाद सब एक ही हो गया। और एक बता दो कोई भी, नहीं तो हम बताएंगे। सर्विस न करने वाले, सेवा, केवल सेवा की बात है यहां पर, सर्विसेबल जो नहीं है। बाकी सब करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान अच्छे से है, पर सेवा नहीं करते। कहते हैं हमारी मनसा सेवा ही सबसे उत्तम है, हमारा योग ही सेवा है। ये यज्ञ में सेवा फोर्थ सब्जेक्ट है और बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सेवा अपने आप में अलग सब्जेक्ट है एक। इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी ज्ञान चिंतन क्लासेस, पर महत्वपूर्ण क्या है? सेवा। सेवा कर्तव्य है हमारा, ये सेवा बहुत जरूरी है। स्थूल सेवा की बात कर रहे, सर्विसेबल बच्चे, कुछ अभी एक कल परसों की मुरली में था, सर्विसेबल बच्चों के लिए। तो ऐसे जो सेवा नहीं करते वो किस श्रेणी में है? मूर्ख की श्रेणी में है। तो इस मूर्ख मंडली, इस अलौकिक मूर्ख मंडली में शामिल नहीं होना है। और जिन्होंने एडमिशन ले लिए वो आज ही क्या कर दे, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दे हेडमास्टर को और इस स्कूल से बाहर निकल जाए, और इधर तीव्र पुरुषार्थ की स्कूल खुली हुई है उसमें एडमिशन ले ले। क्या स्कूल छोड़ने से पहले लाइब्रेरियन के साइन जिनसे एनओसी लेनी है वो सब सबसे एनओसी ले लो, साइन ले लो और निकलो बाहर। पर इस मूर्ख मंडली में नहीं रहना है। तो कहने का भाव, अपने आप को फिर से जगाना है, फिर से जागृत करना है, पुरुषार्थ के प्रति, हर चीज के प्रति वैराग प्रकट करना है अपने अंदर, खुद ही अपने आप को, और मुरली चिंतन में अधिक से अधिक स्वयं को डुबो के रखना है। जैसे आज की मुरली कितने सारे टॉपिक से, बेहद की बे समझी क्या है, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, शेर आया शेर आया, बुद्धि को रिफाइन कैसे करे, सच्ची दिवाली क्या है, ज्यादा सेवा कौन कर सकते है, ये सब आज की मुरली के टॉपिक से, ज्यादा सेवा कौन कर सकते है। तो मुरली पढ़ते पढ़ते ट्रेटर कौन है, ट्रेटर फर्स्ट क्लास ट्रेटर, सेकंड थर्ड क्लास ट्रेटर कौन है, और वो जानवर के बारे में भी कहा, कितनी सारी बातें हैं। तो मुरली चिंतन से अपने बुद्धि को ऊंचा उठाना है, विचारों को, नहीं तो सोच नीची ही रहेगी। तो ऐसे मूर्ख मंडली से बाहर निकलना है। ओम शांति। तलाश है वो तो है ढूंढ न जाए, हाय वे मूर्ख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया। तुझे किस्मत ढूंढ रही थी पर तू पहचान न पाया, तूने सब कुछ आज गवाया। ये मूर्ख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूर्ख तू जाने, ये अंधों की नगरी है, आंखों में भरम की जाली, पर सब के सब है शिकारी। ये अंधों की नगरी है, आंखों में भरम की जाली, पर सब के सब है शिकारी, पर सब के सब है शिकारी। क्या सोच के ओ मेरे हिरना, तू इस दुनिया में आया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूर्ख तू क्या जाने,
ये भी न कोई पूछेगा, आए हो कहाँ से मुसाफिर, क्यों भटक रहे हो दर दर। माया के इस बंदे में क्यों जान के पैर फंसाया, तूने सब कुछ आज गवाया। रे मूरख तू क्या जाने, तूने सब कुछ आज गवाया, तूने सब कुछ आज गवाया।